हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ रेड्स और सैन फ्रांसिस्को जायंट्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस को पिक करना है, किस को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको एक तरफ विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों देख लीजिए, ये दिन वाला मैच था और इसमें पॉइंट डिफरेंस है दोस्तों, कितना ज़्यादा पॉइंट डिफरेंस है। हमारी टीम के 101 पॉइंट्स है और दोस्तों अदर टीम के 64 और 15 है। दोस्तों इससे ऊपर सुबह वाला मैच देखिए दोस्तों, सुबह वाला मैच मतलब हमने अल्ट्रा महा अल्ट्रा क्लीनशिप आपको दिया है मैच। ये देखिए दोस्तों, हमारी टीम के 200 पॉइंट्स है लेकिन अदर के 116, 119 दोस्तों, इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने इस मैच को विन किया और मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों, ऑलमोस्ट मैच हमारे अल्ट्रा क्लीनशिप हो। और आई थिंक दोस्तों मैं आपको लगातार 15 से 20 मैच अल्ट्रा क्लीनशिप दे चुका हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, मेरा कोई भी मैच पिक कर लीजिए दोस्तों, कोई भी मैच देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मैच आपको अल्ट्रा क्लीनशिप ही मिलेंगे दोस्तों। अल्ट्रा क्लीनशिप हर मैच हमारा अल्ट्रा क्लीनशिप हो रहा है, तो आप इस मौके फ़ायदा उठा लीजिए, जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हम 3.2 के काफ़ी आसपास हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसको दोस्तों 3.2 के कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों इस मैच की जो ड्रीम टीम है मैं बना चुका हूँ, जो इस सीरीज में आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी टीम में कौन सा फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करना है। इन सभी के बारे में हम इस सीट में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो आपको अंत तक वॉच कर लेनी है। मैं स्टार्ट करूँगा ऑफील्डर सेक्शन से दोस्तों। ऑफील्डर सेक्शन से पीटर्स ने काफ़ी अच्छे से दोस्तों, इनका जो मैच रहा लास्ट मैच रहा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सिंगल दोस्तों एक हिट लगाया है, इनकी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और पीटरसन आपकी टीम के लिए एक काफ़ी अच्छे चॉइस भी होने वाले हैं। इससे पिछला मैच चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें एक होम रन भी लगाया जो किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो दोस्तों पीटरसन आपको अपनी टीम में कन्फर्म पिक करके चलने दो रन बैटिंग के कारण का स्कोर भी नहीं, इनकी चॉइस काफ़ी बड़ी रहेगी और मैं इनको अपनी टीम में 100% पिक करके चलने वाला हूँ। तो पीटरसन को अपनी टीम में आपको कन्फर्म पिक करना ही करना है। नोकिन का जो परफॉर्मेंस है आपको हर मैच में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि नोकिन आज की मैच के लिए भी काफ़ी अच्छे चॉइस होने वाली है। आप इनका लास्ट मैच चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिला उन्हें दो रन का स्कोर और दो हिट लगाए हैं, तो जहाँ आपको देखने को मिला कि जो आज का मैच होगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आज हम इनको पिक करके चल सकते हैं। तो दोस्तों नोकिन को कैप्टन और वो इस कैप्टन लेके चल सकते हैं। लास्ट के कुछ मैचों से जो इनका परफॉर्मेंस वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुका है। कैप्टन को लेकर दोस्तों मैं इस मैच में बिल्कुल सेफ रहूँगा, क्योंकि कैप्टन के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाले दोस्तों। बस टेंशन है वो इस कैप्टन वाले कि किसको अपनी टीम में वो इस कैप्टन बनाया जाए, बाकी नोकिन एक काफ़ी अच्छी चॉइस रह सकती है। रफ का परफॉर्मेंस देखते जो लास्ट मैच रहा वहाँ पर दो होम रन लगाए दोस्तों, किसी प्लेयर के लिए एक होम रन लगाना भी काफ़ी बड़ी बात है और वहाँ पर इसी प्लेयर ने दो होम रन लगाए हैं। साथ ही तीन रन बैटिंग के, तीन रन का शुक्र और दो हिट भी लगाए, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया दोस्तों। और ये मैच को अच्छा खासा क्लीनशिप देने वाला हूँ, बस आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मैं इनको टीम में कन्फर्म पिक करके चलूँगा। गोंजालेज आप इनका लास्ट मैच चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको देखने के लिए सिर्फ एक डबल है, लेकिन इससे पीछे जो सो इन्होंने लगातार तीन मैचों में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस किया। जो पिछला मैच रहा वहाँ पर एक सिंगल, एक होम रन, तीन रन बैट, एक रन का स्कोर दोस्तों, इनकी पिचिंग को इनका मौका दिया दोस्तों, जहाँ पर कुछ खास तो नहीं, 1.1 पिचिंग के लिए आए हैं दोस्तों। टोटल नो पिचिंग होती है, लेकिन 1.1 पिचिंग इनको बुलाया गया है, तो यह चॉइस भी आपकी टीम में काफ़ी अच्छे से रह सकती है। तो दोस्तों गोंजालेज को हम टीम में कन्फर्म पिक करके चलेंगे। इनफील्डर्स दोस्तों एस्ट्रेडा एक काफ़ी बड़ी चॉइस, ये काफ़ी बेसबॉल के लीग्स को प्ले करते रहते हैं दोस्तों। जो वेनेजुएला के लीग हुए थे वहाँ भी ये प्ले कर रहे थे, आप इनका लास्ट मैच चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने यहाँ पे एक सिंगल और एक डबल ही लगाया, ज़्यादा अच्छा खासा लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस कर गए हैं, तो एस्ट्रेडा को हम टीम में पिक करके चला सकते हैं दोस्तों। डरूरी दोस्तों इतनी बड़ी चॉइस है जितना हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ी चॉइस, बहुत ज़्यादा बड़ी। और दोस्तों थोड़ा आउट ऑफ परफॉर्मेंस है मुझे पता है, लेकिन दोस्तों आप इन्हें विराट कोहली कह सकते हैं, मुझे पता है 2022 में विराट कोहली नहीं चले हैं, तो उनका भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ब्रेंडन डरूरी एक काफ़ी बड़ी चॉइस, लास्ट मैच चेक कर देख सकते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलने एक सिंगल, एक डबल, तीन रन बैटिंग और एक रन का स्कोर बनाया है, ये चॉइस काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे हैं। फ्लोर्स विली फ्लोर्स
दोस्त विलमर फ्लोर से माफ करना, विलमर फ्लोर मैं विली फ्लोर से कहता हूँ इनको, तो हम इनका लास्ट में देख सकते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिले यहाँ पे दो सिंगल, दो रन बैटिंग और एक रन का स्कोर बनाया है। तो ये चॉइस भी आपके टीम के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले दोस्तों, फ्लोर को हमारी टीम में कन्फर्म पिक करके चलने वाले हैं। दोस्तों पिचर के बारे में बात करूँ तो एलेक्स वुड को फिलहाल मैं ट्राई करके चल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है दोस्तों पिचर को मैं अपनी टीम में कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक पिचर आपको मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप देखकर जाता हूँ, जो मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करता है उनको पता ही दोस्तों कि हमेशा मैं पिचर को अपनी टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन लेकर चलता ही चलता हूँ। लेकिन आज के मैच में दोस्तों कैचर से स्टेफेनसन प्ले करते हैं, तो दोस्तों कैप्टन के लिए सबसे बड़े दावेदार यही होने वाले हैं। आप इनका दोस्तों कोई मैच पिक कर सकते हैं, हर मैच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस कर जा रहे हैं, तो दोस्तों कैप्टन के सबसे बड़े दर स्टेफेनसन ही होने वाले, और दोस्तों वो इस कैप्टन के लिए नौकिन। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टीम का प्रिव्यू कर लीजिए जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे टीम में चार आउटफील्डर, तीन इनफील्डर, एक पिचर एक कैचर को चूज किया है, जो मेरी कैप्टन चॉइस है। कैप्टन लेके चल रहा हूँ दोस्तों मैं स्टेफेनसन को, और वो इस कैप्टन लेके चल रहा हूँ मैं एस्ट्राडा को, लेकिन दोस्तों नौकिन भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी वो इस कैप्टन के। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टीम में जो भी अपडेट होगा आपको पता लगेगा सिर्फ टेलीग्राम पर ही। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेहनत के लिए आपको पता है काफ़ी मेहनत लगी, उसके लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।